हेलो दोस्तों, फैट टू फिटनेस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अगले दिन के नए पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज के दिन हम लगाएंगे बैक वर्कआउट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फुल बैकअप के ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। तो दोस्तों, उसमें हम पहली एक्सरसाइज लेंगे डेड लिफ्ट, जो कि ओवरऑल बॉडी को काफ़ी डायमेंशन में और अलाइनमेंट करती है और बैक के वर्कआउट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से मैंने कंडक्ट की एक्सरसाइज, उसी तरह से आपको भी करना है। नेक्स्ट वन है बारबेल रो। इसमें जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरह से आपको बेंड होना है और बराबर माइंड मसल को फील करते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी एग्जाम्पल के लिए आपको वीडियो दिया गया है, उसे देख कर आप लोग भी इसी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि बेटर रिजल्ट मिले। नेक्स्ट वन है लैट पुल डाउन। इसमें आपको जिस तरह से वीडियो में मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है ताकि आपके लैट्स इंगेज हो सके और बेटर रिजल्ट उसमें से प्रोड्यूस हो। धीरे धीरे आपको बार को छोड़ना है, फील करते हुए एक्सटेंशन महसूस करना है ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हो सके और ग्रोथ होने में काफ़ी मदद मिले। नेक्स्ट वन है सीटेड केबल रो। इसमें आपको फुल आपका ध्यान होना चाहिए एक्सरसाइज में, वरना जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। जो लोअर लैट है उसके लिए स्पेशली ये एक्सरसाइज मैं खुद करता हूँ ताकि वो इंगेज हो और बॉडी को वी शेप मिलने में काफ़ी मदद मिले। नेक्स्ट वन जो एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। ये बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसे राइट पोस्चर में राइट तरीके से लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। देखिए, आर्म को स्ट्रेट करना है, उसे खींचना है, बैक में फील करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन रिलीज। और लास्ट वन हमारी बैक की एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। ये ओवरऑल बैक वर्कआउट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जनरली इसे लास्ट में ही लगाइए ताकि आपका फुल बैक एक्सरसाइज कंप्लीट में गिना जाए। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बैक को ये सपोर्ट करती है, उसके ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी मदद करती है। तो इसी तरह से आपको ये लगानी है। दोस्तों, ये 5-6 एक्सरसाइज ही आपके लिए एक दिन के लिए काफ़ी है, जो ओवरऑल बैक के लिए और ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। देन आप थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़रूरी है, वरना किसी भी टाइप की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेच और वार्म अप काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज का पार्ट है, पहले और लास्ट में भी। हल्का कार्डियो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मसल्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड प्रोसेस में काफ़ी पंपअप भी हो जाते हैं। तो उन्हें रिलैक्सेशन के लिए हल्का सा वार्म अप, हल्का कार्डियो काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी बिफोर एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज दोनों तरीके से कर सकते हैं, बैक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।